हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्क। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि एग्जॉस्ट ब्रेक कैसे काम करता है, उसका वायरिंग कैसे हुआ है। ठीक है, एग्जॉस्ट ब्रेक, ओके। अभी हम एग्जॉस्ट ब्रेक का वायरिंग के बारे में जानेंगे, जिसका वायरिंग बहुत इंटरेस्टेड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्विच बना रहे हैं, ठीक है, एग्जॉस्ट ब्रेक का स्विच। ये देखिए, ये हो गया एग्जॉस्ट ब्रेक का स्विच। उसमें दो लाइट होता है, ठीक है, एग्जॉस्ट ब्रेक में दो लाइट होता है। ये एक लाइट हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, और एक कनेक्शन होता है जो स्विच ऑन करने पे काम करता है। देखिए, ये हो गया स्विच, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये देखिए, ये दोनों ग्राउंड हो गया, और ये हो गया पार्किंग लाइट, ठीक है। इसमें व्हाइट कलर का एक वायर रहता है, ये पार्किंग लाइट का हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे पी लिख दे रहा हूँ, मतलब पार्किंग लाइट जैसे ऑन कीजिएगा स्विच में, ये जो लाइट है ये ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे जो लाइट है वो कैसे ऑन होगा, जब एग्जॉस्ट ब्रेक काम करेगा तब ये लाइट ऑन होगा। जब स्विच आप ऑन कीजिएगा और एग्जॉस्ट ब्रेक काम करेगा तब ये लाइट ऑन होगा, ताकि और एक मीटर में भी लाइट ऑन होगा, ताकि आप देख सकेंगे कि हाँ मेरा एग्जॉस्ट ब्रेक काम कर रहा है। तो ये जो वायर है वो गया है एग्जॉस्ट ब्रेक के रिले में, ठीक है, रिले में गया है ये वायर एग्जॉस्ट ब्रेक का। और ये जो वायर है, ये वायर ये आया है ECM से, ECM से आया है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ECM, ठीक है, ECM लिख दिया। और ये पिन नंबर 43 से आया है, 43, ओके। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है ग्राउंड, ठीक है, इसमें ग्राउंड होता है। पिन नंबर ECM के 43 पिन नंबर से आएगा और इसमें ग्राउंड होगा। अब जैसे ही स्विच आप ऑन कीजिएगा ये ग्राउंड यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और ये भी गया है ECM के पिन नंबर 83 में, ECM पिन नंबर 83, इसमें भी ग्राउंड निकलेगा, ठीक है। ये ग्राउंड जा रहा है ECM में, और जैसे ही ये ग्राउंड ECM में जाएगा तो एग्जॉस्ट ब्रेक के रिले में करंट ECM दे देगा। तो यहाँ पे मैं एग्जॉस्ट ब्रेक का एक रिले बना रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया, और ये 4-pin रिले होगा। ये हो गया पिन नंबर 30, ये हो गया 87, ये हो गया 85, ये हो गया 86, ठीक है। तो एग्जॉस्ट ब्रेक के जो पिन नंबर 85 है उसमें ECM से ग्राउंड आता है, ठीक है, इसमें ECM से ग्राउंड आता है। लेकिन आप चाबी ऑन कीजिएगा तब भी इसमें ग्राउंड रहेगा, अगर बंद कर दीजिएगा तब भी इसमें ग्राउंड होगा, लेकिन वो ग्राउंड ECM के पिन नंबर 54 से आता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 54, ओके, ये हो गया 54। और अब हम एक ABS का रिले यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ABS का, ठीक है, ये हो है ABS का रिले। ये होता है 5-pin का, ठीक है, ये 5-pin का रिले है। इसमें भी ये देखिए, यहाँ पे ये 30-pin है, ये 87-pin है, और ये मिडिल में जो है वो 87 ये होता है, और ठीक हुई ऐसे ही ये 85 और ये 86, ओके। ये पिन नंबर, अगर आप 4-pin या 5-pin रिले के बारे में नहीं जानते हैं कि वो कैसे काम करता है, उसमें कनेक्शन कैसे किया जाता है, तो उस पर ऑलरेडी मेरा वीडियो अपलोड है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है एग्जॉस्ट का RLY रिले, और ये है ABS का RLY रिले, ठीक है। ये ABS का रिले है, ये एग्जॉस्ट ब्रेक का रिले है। देखिए, ये ABS, एग्जॉस्ट ब्रेक, स्टॉप लाइट रिले, ये सारा कुछ आपस में मिला ही हुआ है, थोड़ा थोड़ा सब में, इसका तार उसमें, उसका वायर इसमें, ऐसा हुआ है। इसीलिए मैं सब बना रहा हूँ ताकि जब मैं समझाऊँ तो क्लियरली आपको समझ में आ जाए। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिए, ये है
ये है ब्रेक स्विच, ठीक है, ये ब्रेक स्विच है और इसमें यहाँ पे येलो कलर का वायर होता है, मतलब इग्निशन स्विच का ये मेन है, ये वायर इग्निशन स्विच का मेन है। जैसे ही आप ब्रेक दबाइएगा तो क्या होगा, ये मेन यहाँ से निकलेगा, ठीक है, यहाँ से निकलेगा और ये मेन यहाँ से निकल करके जाएगा स्टॉप लाइट रिले में। यहाँ देखिए एक और मैं यहाँ पे रिले बना रहा हूँ, स्टॉप लाइट रिले, ये 4 पिन होता है और इसका मैं अभी नंबर नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ 4 पिन का मैं नंबर लिख दिया हूँ, वही सेम नंबर यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो आप जैसे ही ब्रेक दबाइएगा तो क्या होगा कि ये येलो कलर का जो वायर है वो इस वायर से करंट निकाल देगा। जैसे ही ये दबाइएगा तो ये जो है ये यहाँ पे कॉन्टेक्ट होगा और ये इग्निशन स्विच का मेन आ जाएगा 86 में। ये है स्टॉप लाइट रिले, स्टॉप रिले मतलब ब्रेक लाइट का रिले है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेक दबाइएगा यहाँ पे 86 में करंट आया और ग्राउंड यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी इग्निशन स्विच का ING, इग्निशन स्विच का मेन पहले से रहता है यहाँ पे पिन नंबर 30 में, इग्निशन स्विच का मेन है। और जैसे ही ब्रेक दबाइए यहाँ पे 86 में मेन आया तो क्या हुआ कि ये इग्निशन स्विच का मेन यहाँ से निकला, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड है यहाँ पे मेन है। जैसे ही यहाँ पे मेन आएगा ये मेन जो है यहाँ से निकलेगा और निकल करके जाएगा डायरेक्ट ये जो ABS का जो रिले है उसके पिन नंबर 30 में जाएगा, ठीक है, ये पिन नंबर 30 में जाएगा। और यहाँ से अब क्या होगा, ये 5 पिन रिले है, इसमें क्या होता है कि अगर 30 में जो करेंट है वो 87 और 30 दोनों पिन आपस में कनेक्ट है, इंटरनल कनेक्शन है, तो यहाँ से वो पॉजिटिव आएगा यहाँ और यहाँ से वो पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है, यहाँ से निकल के जाएगा एग्जॉस्ट ब्रेक के रिले में पिन नंबर 87। तो मैं इसको यहाँ से निकाल रहा हूँ और पिन नंबर यहाँ 87 में दे रहा हूँ, ठीक है, पिन नंबर 87 में गया। अब देखिए यहाँ पे ये ECM का पिन नंबर 43 का निगेटिव यहाँ पे मौजूद है, जैसे ही ऑन कीजिए ये निगेटिव गया और ECM के पिन नंबर 83 में करंट दिया, मतलब निगेटिव दिया। अब वो जैसे ही दिया तो ये जो है क्या करेगा, ECM यहाँ पे 75 पिन नंबर 75 जो है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पिन नंबर 75 से यहाँ पे मेन देगा, ये पॉजिटिव देगा ECM यहाँ पे, लेकिन कब देगा, जब RPM आपका 1200 से ज़्यादा होगा, 1200 से ज़्यादा मतलब 12.5 13 14 15 ऐसे मतलब 13 14 15 ऐसे जब होगा तब यहाँ पे करंट देगा ECM, वो भी कब, जब एक्सलेटर पेडल छोड़ दीजिए उसके बावजूद 1200 है। जैसे हम एक्सलेटर पेडल दबाएं और RPM बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते वो गया 2000 पे चला गया, अब हम छोड़ दिए, जैसे ही छोड़ेंगे तो ECM यहाँ पे करंट देगा, ठीक है, ECM यहाँ पे करंट देगा और जैसे ही ये 1200 के नीचे काटा आएगा RPM का ये करंट कट ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा आना, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही करंट आया तो यहाँ क्या है, यहाँ ब्रेक स्विच से जो मेन निकला हुआ है वो यहाँ आया, यहाँ से देखिए यहाँ आया और यहाँ से निकला तो यहाँ आया, तो 87 में आया। अब जैसे ही यहाँ पे करंट आया तो ये फिर यही वाला जो मेन है वो 30 से निकलेगा और 30 से निकल करके कहाँ कहाँ जा रहा है, अब ये देखिए ये एक जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये जाएगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यानी मीटर बोर्ड में एक जाएगा और एग्जॉस्ट ब्रेक का जो सिग्नल है वो ऑन हो जाएगा, मतलब एक लाइट है जो एग्जॉस्ट ब्रेक का है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है, एक तो वहाँ गया। दूसरा में है कि क्या होगा कि यही चीज आएगा, एक यहाँ से कनेक्शन लेकर के आएगा यहाँ पे आएगा तो ये लाइट ऑन हो जाएगा, और एक और है जो यहाँ से निकलेगा और जाएगा जो वॉल्व है जिसमें एयर का कनेक्शन रहता है हमेशा, उसमें एयर रहता है और जैसे ही वो बल्ब ऐसा होगा चेचिस में लगा होगा ड्राइवर सीट के नीचे मतलब जो चक्का है राइट साइड का, उसके बाद जो चेचिस है ना वहाँ पे ये बल्ब लगा है, वहाँ पे देखिएगा एक यहाँ पे पाइप रहेगा और एक यहाँ पे पाइप रहेगा और ये वायर का कनेक्शन यहाँ पे 2 वायर लगेगा, एक ये वायर और एक ग्राउंड का। तो यहाँ पे जैसे ही मेन जाएगा ये बल्ब खुलेगा और एयर यहाँ से जाएगा
और जा करके एग्जॉस्ट जो धुआं जो निकल रहा है इंजन से एग्जॉस्ट उसको बंद कर देगा। यही है काम इसका। और ये इतना ध्यान में रखिएगा, किसी गाड़ी में आप चेक कर सकते हैं या हम ही किसी गाड़ी में ऐसा चेक करके दिखा देंगे, एक उस पर वीडियो बना देंगे कि दिखाएंगे उसमें कि देखो अभी करंट आ रहा है, जैसे ही काटा डाउन होगा तो वो करंट कट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही करंट आएगा तो ये एयर यहाँ से निकलेगा, यहाँ से जो अंदर जा रहा है इनपुट हो रहा है वो आउटपुट होकर के जा करके धुआं को रोक देगा, उसी को कहा जाता है एग्जॉस्ट ब्रेक। और ये ब्रेक मारने से होगा, ब्रेक आपको स्विच दबाना होगा, उसके बाद से आरपीएम जाना पड़ेगा उसको 1200 के ऊपर, उसके बाद अगर आप ब्रेक दबाइएगा एक्सेलेटर पेडल छोड़ के तब यहाँ पे करंट आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही काम करता है एग्जॉस्ट ब्रेक। अगर आप और भी जानना चाहते हैं ABS का जो उसका वायरिंग है, ABS का कि ABS का वायरिंग कैसे होता है, एग्जॉस्ट ब्रेक का जो सिस्टम है वो तो आपको कुछ समझ में आ गया है, लेकिन जो इसका एक और देखिए ब्रेक का जो सिस्टम है ना वो बहुत सारा सिस्टम है, क्योंकि देखिए ब्रेक का ही वायर ABS में आया है, ब्रेक का ही वायर आया है ये एग्जॉस्ट ब्रेक में, ब्रेक का ही वायर आता है EMS जो होता है EMS रिले, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम का जो रिले है उसमें भी ब्रेक का ही होता है, उसको बुलाता है EMS ब्रेक रिले, ठीक है। तो उसको भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये सारा चीज़ जो है ये आपस में थोड़ा थोड़ा सब में कनेक्शन एक ही है, ठीक है।